और उन्हें शापित किया। दो शाप दिए गए। पहला शाप उन्हें दिया कि आपको 12 साल का उन्हें वियोग दिया गया कि आप एक साथ नहीं रह सकते। भगवत जी के अनुसार इस मंदिर की आयु 5,500 साल पुरानी बताई गई है। मंदिर के ऊपर में सबसे शिखर में जो लगा है उसको फ्लैग, जो हम गुजराती में उसे 52 गज की ध्वजा बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। बहुत ही सुंदर दर्शन माँ गोमती के, समुद्र में संगम होते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की नगरी में आ गए हैं और जैसा कि हमने पहले भी आपको वृंदावन में इतनी जगह घुमाया है और दर्शन कराए हैं उनके बाल अवस्था के और किशोर अवस्था के, इतना टाइम वहां पर रहे, लेकिन राजा के रूप में जब वो द्वारका आए और यहां पर राज किया तो हम भी पीछे पीछे चले आए हैं उनके दर्शन कराने के लिए आपको। एज अ किंग वो यहाँ पर थे, तो द्वारका के किंग के दर्शन करेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, और इस समय शाम के 6:30 बजे हैं। वेदर बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर, और इस समय हम खड़े हैं बिल्कुल, सुदामा सेतु है ये हमारे पीछे। यहाँ से सुदामा सेतु को क्रॉस करके आप उस तरफ भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे अभी हम चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो चलिए, पहले हम धार्मिक भैया हमारे साथ हैं आज, वो कुछ चीज़ें हमें बताएंगे और आपको भी बताएंगे। हम सुदामा सेतु पर आ गए हैं और यहाँ पर आने के लिए टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, पर अडल्ट चार्ज है। और अभी हम झूला पर ही खड़े हैं, झूले का एहसास हो रहा है जिस तरह से झूल रहा है, और हमारे यहाँ पर राम झूला लक्ष्मण झूला भी इसी तरह से हिलते हैं। धार्मिक भैया हमारे साथ हैं जो हमें यहाँ के बारे में और जो डीप जानकारी है वो ये देंगे। यहाँ पर पंचकुई अभी बताया है, जहाँ पर 5 कुओं का पानी, जैसा कि पांडवों ने पांडवों ने क्या किया था पंचकुई में, जय श्री कृष्ण, जब पांडव अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तब जब वो द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने ये 5 कुएं का निर्माण किया था। जो पांचों के पांचों कुओं को पंचकुई इसीलिए बताया गया है क्योंकि वो पांडवों के स्वभाव के हिसाब से निर्मित किए गए थे। तो जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मगुरु बताया गया है, तो उनका जो कुआ है तो वो उनके हिसाब से, धर्म के हिसाब से चलता है, तो उसका स्वभाव, उसका पानी उस हिसाब से है। तो पांचों के पांचों कुओं में अलग अलग पानी है, जैसे 5 पांडव का स्वभाव था, बिहेवियर था, उसी तरह उनका जो कुएं का पानी है उसी तरह चेंज होता रहता है। तो पंचकुई का यही महत्व है। और उसके बिल्कुल बगल में, यानी कि बगल में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, उसका दर्शन करना है। और बाद में यहाँ पे पूरे सब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने और द्वारका नगर पालिका द्वारा ये पूरा बीच डेवलप किया गया है, तो वहाँ पे राइडिंग वगैरह सब यात्री टूरिस्ट जो लोग आते हैं उसके लिए ये फैसिलिटीज रखी गई है। फिलहाल अभी जो हम जिस ब्रिज पे खड़े हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा निर्मित किया गया है, और इसको श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी, उसके नाम के ऊपर में इसका निर्माण किया गया है, उसका नाम रखा गया है सुदामा सेतु। और यहाँ पर हमें 5ों कुएं दिख रहे हैं जो 5 पांडवों द्वारा निर्मित किए गए थे, और हर कुएं के पानी का टेस्ट उनके प्रकृति के हिसाब से आपको टेस्ट में फ़र्क मिलेगा, सबका टेस्ट अलग है। और यहाँ साथ में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो आइए चलिए दर्शन कर लेते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने से ही लग रहा है, और यहाँ पर दुर्वासा ऋषि की समाधि आप देख सकते हैं। गरुड़गामी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। भारत के जो 4 धाम हैं उसमें रामेश्वरम से आया हुआ पत्थर आप यहाँ पर तैरता हुआ देख सकते हैं।
श्री राम शिला है ये और साथ में बजरंग बली। जय बजरंग बली। बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, जिस तरह से एटीवी राइड है, कैमल राइड है और कुछ छोटे छोटे स्विंग्स भी हैं। यहाँ पर 100 रुपीज़ अभी इनका चार्ज बताया है, जहाँ से आप थोड़ा सा आगे तक जा सकते हैं बीच के पास तक। यहाँ बहुत सुंदर बीच भी है, आइए चलते हैं। मैं फर्स्ट टाइम कैमल राइड कर रही हूँ और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। 50 रुपीज़ में आप बीच तक लेके जाओगे? चलिए बीच तक चलते हैं। अच्छा, वापस भी आएंगे? वापस आएंगे, दो बजे जाओ। भैया आराम से, भैया आराम से, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगी, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तो हम सवारी कर रहे हैं मोतीलाल की, इसका नाम है मोतीलाल। चलो मोतीलाल, गिराना मत बस। वाओ, समुद्र पहली बार मैंने देखा है। जिस तरह मैंने समुद्र पहली बार देखा है, उसी तरह इतना विशाल, क्योंकि आप समुद्र में इसी तरह से पानी होता है। और ये जो पूरा यहाँ पर इस समय जो पूरा समा बंधा हुआ है, यहाँ पर इतने लोग हैं और सब इसको बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अभी तक का मेरा बेस्ट प्लेस है और मेरी व्लॉगिंग भी यहाँ पर बेस्ट होने वाली है। सूर्यास्त का समय है ये और बहुत सुंदर, इसीलिए आपको पूरी लाइट जो दिख रही है, साथ में यहीं से हमें मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। सामने चक्र नारायण या संगम नारायण मंदिर आप देख रहे हैं और यहाँ पर ही बहुत सुंदर संगम हमें दिख रहा है होते हुए समुद्र में माँ गोमती का। द्वारिका एक पौराणिक शहर है, यह भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे गुजरात जिला जामनगर में बसी हुई है। यह भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। द्वारिका नाम संस्कृत में के भाषा शब्द द्वार से लिया गया है, जिसका अर्थ है दरवाज़ा। यह भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है जो द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्णा। जैसे आपने कहा कि द्वारिका को 7 शहरों के अंदर में भी स्थान मिला है, तो हमारे अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार, हम उस जगह को सप्तपुरी बताते हैं, जिसका अर्थ ऐसा होता है कि एक पूरा स्लोगन है जिसके अंदर में इंक्लूडेड है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारा वतीश चैव सप्तैच मोक्ष द्वारिका, जिसमें बताते हैं अयोध्या सबसे पहले जहां श्री राम का जन्म हुआ, मथुरा जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ, माया बताते हैं हरिद्वार को जहां हम गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद में आते हैं काशी जो अभी बनारस हाल का बताया गया है, उसके बाद साउथ में कांचीपुरम, उसके बाद आता है उज्जैन अवंतिका महाकाल की नगरी, और पूरी द्वारा वतीश चैव सप्तैच मोक्ष द्वारिका, सबको मोक्ष प्रदान करने वाली है परमात्मा श्री निवास का स्थान द्वारिका। और इसका समावेश 4 बड़े धामों में, हिंदू सनातन धर्म के 4 बड़े धाम हैं, उसमें भी इसका समावेश किया गया है, इसीलिए इसे मोक्ष की नगरी कहा गया है, जिसका समावेश शब्द पूरी हिंदू सनातन धर्म में 7 पुरी और 4 धाम का भगवान ने बड़ा अनेक महिमा बताया, जिसमें 4 धाम है, उसमें आएगा रामेश्वरम, उसके बाद आएगा बद्री नारायण, उसके बाद आएगा जगन्नाथ जी, और सबसे आखिर में आएगा द्वारिका धाम। अब मंदिर का दर्शन अभी हम करने जाएंगे, तो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो भी 7 पुरी और 4 धाम के अनुसार ही किया गया है। तो हमारे अनुसार मंदिर का निर्माण भगवान की चौथी बेटी वज्रनाभ जी ने विश्वकर्मा को आदेश देके उनके परदादा की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर का स्ट्रक्चर जो आप जैसे देख रहे हो वो 7 पुरी और 4 धाम के अनुसार किया गया है, जिसमें आप राइट साइड में देखोगे तो आपको 7 विंडोज दिखेगा जो इस मंदिर को 7 पुरी में दर्शाता है और 7 पुरी में जोड़ता है। और उसके बगल में जो छोटा सा गुंबद है, उसमें आप काउंट करोगे तो ऊपर से लेके नीचे तक ग्राउंड फ्लोर, उसमें 4 फ्लोर्स है, 4 माले हैं जो इस मंदिर को 4 बड़े धामों में जोड़ता है, इसीलिए इसे श्री कृष्ण का निवास स्थान और मोक्ष की नगरी बताया गया है। जय श्री कृष्ण।
शाम के समय जगमगाते हुए ये घाट और भी सुंदर लग रहे हैं और बाजार बहुत सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की हमें रोशनी दिखाई दे रही है मंदिर के ऊपर, तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। हम आ गए हैं द्वारिकाधीश, सामने बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं और जस्ट इसके सामने ही यहाँ पर श्री वशिष्ठ ऋषि, श्री गोमती माता जी, श्री महालक्ष्मी माता जी और श्री कल्कि भगवान के भी दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर द्वारिकाधीश जी के दर्शन हुए। आज फूलों का श्रृंगार किया गया था और कल से उनको ठंडा रखने के लिए चंदन का श्रृंगार किया जाएगा और बहुत सुंदर जिस तरह से महिमा बताई गई है इस द्वारिकाधीश के बारे में हमें धार्मिक भैया ने बहुत अच्छे से बताया ब्रीफ में, लेकिन अभी इन शॉर्ट में आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश जी की। जैसे मैंने आपको बताया कल अक्षय तृतीया थी, तो कल से भगवान का जो श्रृंगार था, सबसे पहले उनको चंदन के लेप लगाया जाता है उनके टेम्परेचर को उनको ठंडा रखने के लिए, और उसके बाद से आज से जब जल यात्रा होगी तब तक उनको फूल का श्रृंगार किया जाता है, जिसे फूल श्रृंगार बताते हैं, क्योंकि उनको ठंडा रखने के लिए। और भगवत जी के अनुसार इस मंदिर की आयु 5,500 साल पुरानी बताई गई है। मंदिर के ऊपर में सबसे शिखर में जो लगा है उसको फ्लैग, जो हम गुजराती में उसे 52 गज की ध्वजा बताते हैं, तो 52 गज की ध्वजा इसलिए बताते हैं कि जिसके अंदर में 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 9 ग्रह और 4 दिशाओं का समावेश है। बाहर से जो लोग भक्त आते हैं भगवान के, अपनी इच्छा मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं और पूरी होने के बाद में वो फ्लैग चेंज करते हैं, तो भगवान यहाँ पे राजा स्वरूप में विराजमान है, तो वो राजा की पगड़ी है, इसीलिए इसका बुकिंग 2014 से लेकर 2024 तक किया गया है। तो अभी फ्लैग चेंज करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, कोई करना चाहे तो भी, कोई अगर करना चाहिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका बुकिंग ऑलरेडी किया गया है। ये मंदिर 7 पुरी में भी इसका इंक्लूजन है और 4 धाम में भी इसका इंक्लूजन है। ये यहाँ का महिमा है, ये यहाँ का महात्मा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और जिस तरह से भैया ने बताया कि यात्रा पूरी नहीं होती है अगर माँ रुक्मिणी के दर्शन ना किए जाए, तो कल हम उनके दर्शन करते हैं और अपने और आपकी यात्रा पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश आए तो सुदामा बनकर आए और बिन मांगे जैसे सुदामा को मिल गया था, उसी तरह से आपको भी बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही मंदिर के सामने ही जैसे बाहर आते हैं आप, बहुत सुंदर ये ब्रह्म कुंड बना हुआ है और बहुत ही विशाल ये पीपल का पेड़ आपको इसमें दिखाई देगा ऊपर तक। जय श्री कृष्णा। निकल पड़े हैं हम आज माता रुक्मिणी के दर्शन करने और बस अभी शुरुआत यहीं से है। रुक्मिणी माता के दर्शन करने के बाद हम आपको आज एक बहुत सुंदर जगह ले जाने वाले हैं, भेट द्वारिका। तो आप लोगों ने आई एम श्योर सुना होगा पहले, बहुत प्यारी जगह है, वहाँ चलते हैं। हम आ गए हैं माता रुक्मिणी के मंदिर और क्योंकि यह मेन द्वारिका से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं जिसमें से एक कारण हम आपको अभी बताएंगे, पहले हम दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर माँ रुक्मिणी के दर्शन हुए और साथ ही जो इसके पीछे कहानी है वो हम कथा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर 3 किलोमीटर द्वारिका से दूरी पर स्थित है, इसीलिए इसका क्यों स्थित है इसके पीछे यही कहानी है कि जब एक बार श्री कृष्ण ने और उनकी पत्नी रुक्मिणी ने अपने गुरु दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया और जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा ने उन्हें कहा कि आप, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ चलूँगा, अगर जिस रथ पर आप मुझे लेकर चल रहे हैं वो आप अपने कंधों पर खींच कर लेकर जाएंगे और साथ में कहीं पर बीच में रुकेंगे नहीं, तो इसी पर जब उन्होंने ये शर्त मान ली और लेकर वहाँ से चलने लगे, बीच में माँ रुक्मिणी को प्यास लगी और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, तो भगवान ने बिना रुके, क्योंकि रुकना नहीं था, अपने दाएं पैर के अंगूठे से धरती को दबाया और ऐसे वहाँ से भूमि गंगा निर्मित की गई और वहीं पर उनकी प्यास उन्होंने बुझाई। लेकिन वहाँ पर गलती ये हो गई कि उन्होंने अपने गुरु ऋषि दुर्वासा को पूछा नहीं, पहले गुरु को पूछना चाहिए उसके बाद खुद सेवन करना चाहिए, लेकिन इसी पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्हें शापित किया
दो शाप दिए गए। पहला शाप उन्हें दिया कि आपको 12 साल का उन्हें वियोग दिया गया कि आप एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने गुरु को खाना या पानी नहीं पूछा, खुद से आपने पिया, तो यहाँ पर पूरी ज़मीन जो है ये बंजर हो जाएगी, यहाँ पर अनाज उत्पन्न नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर दान किया जाता है अनाज, और माँ रुक्मणी के मंदिर में पानी दान किया जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये महत्व है कि श्री भगवान बद्रीनाथ धाम में पिंडदान किया जाता है, द्वारिकाधीश में अन्नदान किया जाता है, और माँ रुक्मणी के यहाँ पर पानी का दान किया जाता है। और ये हम अपने लिए नहीं करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए करते हैं। जय माँ रुक्मणी। 12 साल के वियोग के बाद भगवान श्री कृष्ण गरुड़ की सवारी पर आए और माँ को द्वारिका लेकर गए। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थान हैं सभी का अपना बहुत महत्व है, और उनके पीछे जितनी भी कथाएं हैं सुनकर दिल को बहुत शांति मिलती है। और हमें इन चीज़ों के बारे में कई लोगों को पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता है। सुनने में एक अलग चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि हम जैसे जैसे दिखाते हैं आप हमारे साथ विज़िट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप भी घूम आए हैं, तो मुझे बहुत शांति मिलती है ये सुनकर। और इसी तरह से हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे ये सारे जो तीर्थ हैं इनको, इनकी एक इंस्पिरेशन जो मुझे मिली है, हमारे ही एक व्यूअर हैं मिस्टर बी के जुनेजा, और दिल्ली में रहते हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनकी धर्म पत्नी जो पिछले साल उनका स्वर्गवास हो गया, मिसेस पूनम जुनेजा, और वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। तीर्थ स्थानों को लेकर वो चार जो भारतवर्ष के चार धाम हैं वहाँ तो वो पता नहीं कितनी बार गई हैं, साथ ही जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको भी उन्होंने कई बार विज़िट किया, और साथ में उन्होंने जो उत्तराखंड के चार धाम हैं वहाँ पर भी वो गई। तो जब मुझे उनके बारे में सर ने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी ऐसा अंदर से फील हुआ कि हम देखिए भगवान, हमने नहीं सोचा था कि हम देश के भारतवर्ष के दो तीर्थ तो हमने कर ही लिए, ये जो दो धाम हमने किए हैं हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से हो जाएंगे। और ये यात्रा हमारी द्वारिका की यात्रा कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से संभव हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान, अगर भगवान ने चाहा तो हम बाकी के जो दो तीर्थ हैं और ज्योतिर्लिंग हम शुरू करेंगे, और एक बार जब मन में ठान लिया है करना है तो फिर करके रहेंगे। आप इसी तरह से विज़िट करते रहें, हमारे साथ घूमते रहें यात्राओं पर, और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, ट्रैवल करते रहें ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।